चंद्रयान 3 की सफलता के बाद वैज्ञानिकों का दावा, चंद्रमा पर जीवन की संभावना और सौरमंडल के रहस्यों से उठेगा पर्दा। इसरो के वैज्ञानिकों में कोई भी लखपति नहीं, माधवन ने कहा। केंद्र ने इसरो वैज्ञानिकों की मदद नहीं की, केंद्र सरकार ने इसरो वैज्ञानिकों की मदद नहीं की, कांग्रेस ने कहा। खुशी में ओडिशा में जन्मे बच्चों का नाम चंद्रयान रखा। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अनंत संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं दोस्तों। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना कि अब सबसे महत्वपूर्ण चुनौती चांद के दुर्गम दक्षिणी ध्रुव इलाके में पानी की मौजूदगी की संभावना की पुष्टि और खनिज एवं धातुओं की उपलब्धता का पता लगाने की होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन अध्ययनों से चंद्रमा पर जीवन की संभावना और सौरमंडल की उत्पत्ति के रहस्यों से बेंगलुरु चंद्रयान पर्दा हटाने की मदद देगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर शांतवर्त दास ने बताया कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बेहद दुर्गम और कठिन क्षेत्र है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की सफलतापूर्वक उतरने के बाद इसरो को उम्मीद है कि इस मिशन की अवधि एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिन तक सीमित नहीं रहेगी और चांद पर फिर से सूर्य निकलने पर यह पुनः सक्रिय हो सकता है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से प्रसन्न भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर ने कहा है कि अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों की पगार विकसित देशों के वैज्ञानिकों के वेतन का 5वां हिस्सा है और शायद यही कारण है कि वे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किफ़ायती तरीके तलाश सकें। उन्होंने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों में कोई भी लखपति नहीं है और वे बेहद सामान्य जीवन जीते हैं।